साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सीख रहे हैं फॉर्मूले, और फॉर्मूले में अब हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले। इसके अंतर्गत हमने आपको दो फॉर्मूले पहले ही बता रखे हैं, पीएमटी और आईपीएमटी का। उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं, यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम सीखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए यदि आपने कहीं पे फिक्स डिपॉजिट किया है या आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और उसमें आपका कुछ मंथली या ईयरली आपका प्रीमियम जाता है, कितने परसेंट ब्याज लगता है, वो ब्याज भी जोड़ के कितने समय के लिए, और लास्ट में जब हमारी मैच्योरिटी होगी उस समय हमारी कितनी पूंजी जमा हो जाएगी, या हमारी जो फ्यूचर वैल्यू कह सकते हैं उसको, वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। इसको बारीकी से समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। पहला एग्जांपल तो मैंने लिया है कि हमारा कोई मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमने कोई आरडी चलाई हुई है, तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मंथली है, और ये हमारा 2 साल के लिए है, यानी कि 24 महीने के लिए। तो 24 महीने बाद जब हमारी मैच्योरिटी होगी तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है, जो FV है, यानी कि हमको जो पैसे मिलेंगे वो कितनी अमाउंट मिलेगी। दूसरा, यदि हमने कोई इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रीमियम भर रहे हैं 10,000 रुपये 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, और ईयरली भर रहे हैं, और ये हमने लिया है 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद जो हमारी मैच्योरिटी होगी वो कितनी होगी। ये हम बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, FV फॉर्मूले से। यदि हमको FV फॉर्मूला नहीं पता है तो हम एक्सेल में किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, एक बार वो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फिर मैच करेंगे क्या FV फॉर्मूला भी वही दिखाता है। तो चलिए हम एक बार, एक सीट बनाई मैंने, इसमें जो हमारा इंस्टॉलमेंट है वो 24 महीने का है, यहाँ पे मैंने 24 महीने तक डाला है, ये जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक के हमारे 24 महीने हो गए, 2 साल। तो जैसे हम शुरुआत करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस तो हमारा कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा, है ना। जब शुरुआत कर रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है हमारी 1000 रुपये हमारी फर्स्ट मंथ की। इंटरेस्ट कितना है हमारा, 8% है, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, हम करेंगे इक्वल टू जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो मल्टीप्लाई 8%, यह 8% होता है ईयरली, एक्सेल भी इसको ईयरली कैलकुलेट करेगा, इसको हमने मंथली बनाना है तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इंटरेस्ट आ गया कितना, 1000 रुपये का, एक महीने का 8% के हिसाब से 6 रुपये 67 पैसे। टोटल अमाउंट कितनी होगी विद इंटरेस्ट, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, एंटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, हमने 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और जनवरी मंथ का जब इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो 1,06 रुपये 67 पैसे हो जाएंगे। तो अब सेकेंड महीने का ओपनिंग बैलेंस हमको मिल गया, ये जो हमारी फर्स्ट मंथ की लास्ट की जो अमाउंट होगी ये होगा फरवरी का, यानी कि सेकेंड मंथ का ओपनिंग बैलेंस। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे उठा कर ले आए, उसके लिए सिंपल सा हम करेंगे इक्वल और ये सेल एड्रेस डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे आ गई, ओपनिंग बैलेंस आ गया, सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 रुपये इस महीने के हो गए। अब इंटरेस्ट कितना हो गया, अब इंटरेस्ट होगा इक्वल टू, यहाँ पे हम बोर्ड मॉस यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल प्लस ये सेल, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ के फिर हमारा नेक्स्ट मंथ का 8% लगेगा, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8% वही डिवाइड बाई 12, हमने यहाँ भी ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ये क्लोज होगा, राइट, और एंटर प्रेस करेंगे, सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट हो गया 13, टोटल अमाउंट कितनी होगी 2 महीने की हमारी, वो हो गई हमारी इक्वल टू ये ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट, एंटर। अब इसको हम नीचे तक ऐसे कैसे इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे, यहाँ से पकड़ के नीचे ले जाएंगे लास्ट मंथ तक और यहाँ पे छोड़ देंगे, ये गड़बड़ आ गया हमारा, यहाँ पे 1000 है, इसको 1000 को ही कॉपी करेंगे, ये क्योंकि 1000 का इन्वेस्टमेंट है ना अर्थ मंथ, तो ये 1000 ही रखेंगे, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे, देखो जो टोटल आ गया लास्ट में हमारा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ,
ये आ गया 26,106 रुपये जो हमारी मैच्योरिटी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 26,106, ठीक है, ये याद रहेगा, नीचे हमको बार बार जाना नहीं पड़ेगा, इसका साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ। ये मैच्योरिटी कब होगी? जब हम मंथली 1,000 रुपये दे रहे हैं 8% इंटरेस्ट पे, तो हमारा जो 2 साल में मिलेगा वो हमारा 26,106 रुपये मिलेगा। अब हम इसको करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूले से, हम यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एफ वी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूछ रहा है रेट, रेट हमारा क्या है 8% डाल दिया हमने, कोमा यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है एन पर, एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, कितने समय के लिए? हमारा नंबर ऑफ पीरियड 12 मंथ के लिए, लेकिन यहाँ पे जब हमने ये 24 कर दिया तो ये हो जाएगा 24 साल का, हमने मंथली निकालना है। तब हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया था इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 12 और कोमा डाल के अब हमने डाल दिया यहाँ पे टाइम 24 महीने, हो गया। आगे चलते हैं, कोमा यूज करेंगे। अब पूछता है पीएमटी, यहाँ पे पीएमटी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, पीएमटी की कोई जरूरत नहीं है, पीएमटी की जरूरत पड़ती है आगे बताएंगे ओ फॉर्मूले में। और पीएमटी और आईपीएमटी के फॉर्मूले देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे अब लेंगे पीवी, वो है हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू, कोमा। अब देखो हाईलाइट हो गया पीवी, जबकि हम इसको पीवी ले रहे हैं ना, हमने ये पीवी ली है, हमने पीएमटी से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक और कोमा, तो अब ये हो जाएगी यहाँ पे पीवी। और टाइप, अब टाइप में हमने डालना है एंड ऑफ पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि ये जो हमारा इंटरेस्ट जुड़ के जो हमारी टोटल पेमेंट बनेगी वो मंथ्स के एंड में हम जोड़ना चाह रहे हैं, मंथ्स के फर्स्ट की जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम पूरे महीने का ब्याज ले रहे हैं, हम शुरू से जोड़ रहे हैं तो पूरे महीने का ब्याज होगा एंड तक, तो हम एंड का लेंगे, उसके लिए एक डालेंगे। अगर फर्स्ट का लेना हो तो हम 0 यूज़ करेंगे, तो हम एंड तक ले रहे हैं क्योंकि आखिरी में मिलेगा हमको 31 दिसंबर को, है ना, तब हम एक यूज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आप मैच करें यहाँ पे क्या अमाउंट आ गई, 26,106 रुपये। यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखो आपको कोमा मिल रहा है, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक कर देंगे तो डॉलर का आइकन हट जाएगा। आप मैच कर सकते हैं 26,106 रुपये 8 पैसे, और यहाँ का दिखा रहा है 26,106 रुपये 8 पैसे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपने इंश्योरेंस को। हम करते हैं इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट स्टार्ट सेम टू सेम रेट, इस बार हम इसको डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा चल रहा है ईयरली, हम ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं, साल के 10,000 दे रहे हैं और ब्याज भी साल का ही कैलकुलेट होता है, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे, सीधा कोमा यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड 20 साल के लिए, सीधा हमने 20 साल के लिए लिया कोमा। हमने पीएमटी को छोड़ना है, पीवी को लेना है, तो हम पीवी लेंगे और 2 बार कोमा यूज करेंगे। और टाइप लास्ट के एंड तक देखना है, तो 1 ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, तो ये जो अमाउंट आ जाएगी इसका भी मैं डॉलर साइन हटा देता हूँ, ये आ जाएगी हमारी मैच्योरिटी, जो 20 साल बाद हमको जितना मिलना है, जो इन्वेस्ट हमने किया है वो अमाउंट होगी 4,94,229 रुपये, जब हम प्रीमियम दे रहे हैं 10,000 रुपये ईयरली। क्लियर? इसी प्रकार यदि हमारे पास मैच्योरिटी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और हमने निकालनी है अपनी प्रीमियम या अपना इन्वेस्टमेंट, तब हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे ये जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।